देवी अहिल्या ने दिया माले राव को ब्रह्मास्त्र और इसी से पलटेगी चंद्रावत की बाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या माले राव को कुछ समझाना चाहती हैं और एक अस्त्र उनको देना चाहती हैं जिसके जरिए माले राव अपनी जीत को दर्ज कर सकते हैं। तो ये अस्त्र क्या है, क्या है उस छोटे से खिलौने के पीछे, क्या ताकत है उस अस्त्र की? तो वो आम अस्त्र तो हो नहीं सकता दोस्तों, कुछ तो खासियत होगी उसमें जिसको लेके देवी अहिल्या माले राव को ही समझाना चाहती है और बताना चाहती है। तो चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो माले राव को देवी अहिल्या लेके गई उनके कक्ष में और वहां पे उन्होंने एक गिलहरी वाला लकड़ी का खिलौना माले राव के सामने रख दिया। माले राव हैरान था कि ये क्या है, ये कौन सा अस्त्र है? तो देवी अहिल्या उसको समझाएंगी कि ये कौन सा अस्त्र है दोस्तों। और जहां तक अंदाजा बैठता है तो ये अस्त्र एक तो गिलहरी की प्रजाति का ही एक अस्त्र है जिसको मराठा योद्धा यूज करते थे अपने युद्ध में, और ये एक ऐसा अस्त्र था जो कभी भी फेल नहीं हुआ। पहले तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये छिपकली की तरह होता था और इसको जैसे हम जहां पे भी छोड़ते थे चिपक जाता था और ये उसके जरिए अपने सैनिकों को कैसे भी करके वहां पे भेज देते थे, और ये इसकी ग्रिप बड़ी तगड़ी थी, ये छूटता नहीं था। कहीं चट्टान पे चढ़ना हो, कुछ करना हो तो इसको गो नाम से भी जानते हैं। तो ये तो एक अस्त्र हो गया, यानी कि एक जीव था जिसके जरिए ये जीतते थे युद्ध, क्योंकि माले राव और देवी अहिल्या के पास ज्यादा सेना नहीं है और चंद्रावत के पास सेना है 3 लाख की योद्धाओं की। तो इतनी बड़ी सेना के सामने इतनी छोटी सेना कैसे टिकेगी? कुछ तो ऐसा निकालना पड़ेगा तोड़ जिसके जरिए ये युद्ध जो है मराठा समाज जीत जाए, मराठा योद्धा जीत जाए। तो ये जो देवी अहिल्या ने बताया इसमें एक तो ये वाला जो मैंने पार्ट आपसे बात की है वो है, दूसरा पार्ट ये है कि गिलहरी, गिलहरी की खासियत क्या होती है? वो बहुत तेज होती है, एक्टिव होती है, बहुत तेजी से वाइब्रेशन समझती है, बहुत तेजी से सुनती है और फिर फटाफट से एक्शन लेती है, विद इन द सेकंड्स वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये वाली फुर्ती चाहिए युद्ध में और एक पल के लिए भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें इस एक अस्त्र में शामिल हैं दोस्तों, जो देवी अहिल्या ने माले राव को दिया है, दिया बल्कि समझाया है, क्योंकि ऐसे जो जीव की मैं बात कर रही हूं तो वो एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि इनको तो सिर्फ पता है कि जो सैनिक है वही युद्ध करने आएंगे, मगर युद्ध में और भी बहुत कुछ होगा जो देवी अहिल्या ने छुपा के रखा हुआ है, जिसके जरिए वो 3 लाख सैनिकों का मुकाबला करेगी और इस जीत को दर्ज करेगी। तो मुझे तो यही आइडिया लगता है, क्योंकि ये जो शस्त्र देवी अहिल्या दे रही है इसकी 2 खूबियां हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, आप लोगों को भी पता है हिस्ट्री में कैसे कैसे आगे गया है ये पूरा का पूरा चंद, तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में इस पे जरूर राय दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.